यहाँ पे बात क्या रहती है ना, यहाँ पे एक तो लोअर बैक पे भी प्रेशर रहेगा प्लस रिस्ट पे भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव इस बाइक की सिटिंग पोजीशन अपना हो जाता है। ये रहता है अपना बेस V3S। फिर आ जाता है V4, जिसमें से अभी ब्लू भी है, मेजेंटा मैट ब्लैक भी है, और टॉप एंड आ जाता है आपका R15M। तो ये रहा अपना सिंगल फ्रेम में दोनों ही सेटअप। यहाँ रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे प्रोजेक्टर है LED। MT का टोटल वेट है 139 kg और R15 का टोटल वेट है 141 kg। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है कंपैरिजन वीडियो। आज अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं यामा MT15 वर्सेस यामा R15S V3। दोनों ही बाइक्स में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, प्राइसिंग का डिफरेंस क्या रहता है, सब कुछ इन डिटेल आज अपन लोग बात करने वाले हैं। और MT का ये अपना रहने वाला है बेस वेरिएंट, यानी कि विदाउट BT कनेक्टिविटी और विदाउट LED इंडिकेटर। और यही एक ना कंपैरिजन अच्छा बैठता है V3S से। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कलर ऑप्शंस के साथ, फिर अपन लोग बात करेंगे प्राइसिंग की। सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में MT15 ब्लैक विथ ब्लैक अलॉयज के साथ ही आपको ये बेस वेरिएंट मिलेगा। सो ये कंसीडर करते हैं अपन लोग एक ही कलर ऑप्शन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ। बाकी वैसे तो MT में ये अपना कलर ऑप्शंस रहते ही, एक सियान ब्लू पास वहाँ भी अवेलेबल है। और यहीं अगर अपन बात करते हैं ना V3S की, तो V3S में भी टोटल दो ही कलर ऑप्शन है, एक अपना ये रहा मैट ब्लैक और ब्लू भी अपने पास वहाँ पे है। तो वीडियो में आगे चल के मैं कलर ऑप्शंस भी आप लोगों को एक बार सही से ब्लू वाला भी दिखा देने वाला हूँ। प्राइसिंग की बात करते हैं, सो ऑन रोड जयपुर MT15 का बेस वेरिएंट कॉस्ट करने वाला है 2.10, 210,000 ये पर्टिकुलर वेरिएंट रहेगा। और V3S कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेम ही प्राइस रहेगा। ऑन रोड जयपुर की प्रिंट प्राइस है 2.08, 208,000 ऑन रोड जयपुर। सो 2,000 रुपये का डिफरेंस है V3S और MT15 के बेस वेरिएंट के अंदर। सो 2,000 रुपये में ज़्यादा कुछ ऐसा मेजर नहीं, वो वाली एक सेटअप ज़्यादा भी नहीं है प्राइसिंग का। यहाँ पे मिल जाता है फुली एक नेकेड लुक, वहाँ आ जाता है एक फुली फेयर्ड लुक क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ। MT15 और R15 की वेट की अगर अपन बात करते हैं ना, तो 2 kg का डिफरेंस हो जाता है, 2 kg लाइटर हो जाती है आपकी MT15। बट अगेन नेकेड और फुली फेयर्ड ने काफ़ी ज़्यादा एक रोड का जो परफॉर्मेंस रहता है ना, वो एयर कटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपका फुली फेयर्ड लुक के साथ। एक्सेसरीज़ दोनों ही बाइक्स की काफ़ी सारी अवेलेबल रहती हैं आफ्टर मार्केट में भी। और एक सेफ्टी वाइज अगर आप लोगों को एक्सेसरीज चाहिए बाइक परचेज़ कर रहे हो, तो शोरूम से भी आप लोग USB चार्जिंग पोर्ट, बैश प्लेट वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हो, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा सेटअप आपके लिए हो जाएगा। सो प्राइस पॉइंट अपना हो चुका है डिस्कस, 2,000 रुपये आपका प्राइस एक्स्ट्रा रहता है MT15 के इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। बाकी MT के अदर कलर ऑप्शन की प्राइस की बात करते हैं ना, तो 2.14, 214,000 अपना अदर कलर ऑप्शंस का प्राइसिंग हो जाता है। अब देख लेते हैं पहले क्या कुछ दोनों ही बाइक्स में सिमिलर चीज़ें रहती है, यानी कि क्या क्या सेम है। तो सबसे पहली चीज़ जो अपना सेम रहेगा वो है टायर सेटअप। MRF ट्यूबलेस 100 सेक्शन फ्रंट है, वही सेम पैटर्न और वही MRF ट्यूबलेस 100 सेक्शन आपका फ्रंट R15 में भी रहेगा। रियर टायर की बात करते हो तो रियर टायर वही सेम 140 सेक्शन MRF ट्यूबलेस रहेगा, कुछ इस टाइप से अपना पैटर्न है। और ये आपका ओवरव्यू है, ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज, ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज। बाकी अलॉयज के तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे रहते ही हैं, क्योंकि R15 सीरीज़ में भी और MT सीरीज़ में टायर सेम है, तो ऑब्वियस है कि अलॉयज भी आपका सेम ही रहेगा। सो इस टाइप से ये एक बार रियर टायर का ओवरव्यू देख लेते हैं V3S का भी। सो वही 140 सेक्शन MRF ट्यूबलेस अपना ये सेटअप हो जाता है। अगली जो मेजर चीज़ चेंज है, सेम है सॉरी, वो अपना रहता है ब्रेकिंग सेटअप। दोनों ही बाइक्स में ड्यूल चैनल ABS रहेगा, वहाँ भी डिस्क का शेप ही आप लोग देख सकते हो सेम बिल्कुल ऑल टुगेदर। साइज़ भी सेम है 282 रियर ब्रेकिंग मिलती है निसिन की, वहाँ भी आपको सेम ही ये सेटअप भी रहेगा। सो ब्रेकिंग सेटअप भी ओवरऑल सेम है, इस टाइप से ही अपना 282 mm का बाइब्री ब्रेकिंग के साथ फ्रंट में डिस्क आ जाता है MT में। और यही सेम आपको मिलेगा V3S में भी, V3S में भी और MT में भी रियर ब्रेकिंग निसिन ब्रेकिंग रहेगा 220 mm डिस्क के साथ, कुछ इस टाइप से आपका कैलिपर रहने वाला है। और ये अपना टेल सेक्शन V3S का। एग्जॉस्ट भी दोनों ही बाइक्स में सेम है, इंजन भी दोनों ही बाइक्स में सेम है। अब MT का एक बार रियर ब्रेकिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो ये रहा वही सेम 220 mm निसिन ब्रेकिंग के साथ, सेम ही एग्जॉस्ट है। हीट शील्ड में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, बट जो एग्जॉस्ट का जो सेटअप है वो आपको प्रॉपर सेम ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं जो कि और सबसे बड़ी चीज़ एक सेम आ जाती है ना, वो है इंजन की। सो इंजन यहाँ पे सेम है, यही इंजन आपको R15 सीरीज़ में भी
MT के सभी कलर ऑप्शन में भी MT की जो बाकी के वेरिएंट रहते हैं वहाँ पर भी ये सेम इंजन ही देखने को मिलने वाला है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात अपन करते हैं वीडियो में आगे चल के। इस टाइप से ये अपना रेडिएटर का सेटअप है, ये भी आपका सेम ही रहेगा। R15 V3S में भी ये रहा अपना एग्जॉस्ट का लेआउट V3S का। अब आती है बात एक मेजर चेंज की, जिसकी वजह से आप लोग अगर एक थोड़ा सा MT लेते हो ना तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि एक चीज़ वहाँ पे अच्छा मिल जाता है जो कि है सस्पेंशन सेटअप। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सस्पेंशन में कोई कमी है, कोई दिक्कत है। मैंने इस बाइक को राइड किया है, राइड रिव्यू अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सो कोई दिक्कत सस्पेंशन से रिलेटेड मुझे फील नहीं हुआ था। यहाँ पे मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप, जो कि ये थिकनेस आप लोग देख सकते हो इस टाइप से, ये आपका रहेगा यहाँ पे टेलीस्कोपिक। बट अगर अपन MT में बात करते हैं ना, तो एक तो जो आपकी सबसे बड़ी डिमांड रहती है गोल्डन ट्रीटमेंट आ जाता है, और यहाँ जाता है अपना 37mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन, जो कि ये रहा अपना ट्रेवल और थिकनेस, ये आप लोग देख सकते हो। और इसके साथ लुक भी थोड़ा सा इनहेंस आपका यहाँ पे हो जाता है। सो ये एक मेजर डिफरेंस दोनों ही बाइक्स में आ जाता है। लुक के अलावा अगर अपन बात करें तो, क्योंकि इंजन सेम है, टायर, ब्रेकिंग, ये सब कुछ सेम ही रहने वाला है। अब बात करते हैं इस दोनों ही बाइक्स की सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को बाइक चाहिए ना, थोड़ा कम्फर्ट यूज़, एक कह सकते हैं थोड़ा डेली डे टू डे रूटीन लाइफ के लिए बाइक चाहिए, तो ये नहीं है। उस यूज़ के लिए आप लोग MT को प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अपराइट सेटिंग पोजीशन है, पिलियन भी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पाएगा, और ये स्ट्रैप वगैरह है ही, ग्रेब रेल भी है। सो पिलियन के यूज़ के लिए भी अगर मेजरली बाइक लेनी है, अकेले नहीं चलते हो, तो भैया ये बाइक आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे बात क्या रहती है ना, यहाँ आपके एक तो लोअर बैक पे भी प्रेशर रहेगा, प्लस रिस्ट पे भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव इस बाइक की सिटिंग पोजीशन अपना हो जाता है। सो ये एक मेजर ड्रॉबैक है V3S के साथ। सो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पिलियन का भी इतना मेजर कम्फर्ट नहीं रहेगा, और पिलियन का जो सीट है वो हाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिससे हर आदमी को वो चीज़ समझ में नहीं आती। रियर लुक अपना हो ही चुका है V3S का, और ये अपना इस टाइप से कुछ सीट हाइट है। यहाँ पे सीट हाइट रहेगा 815mm सिंगल पीस में सीट है दोनों ही बाइक्स में। ये रहा है MT का सीट, और सीट हाइट में भी यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। MT का सीट हाइट है टोटल 811mm फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो MT का कुछ इस टाइप से अपना फ्यूल टैंक रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी MT में मिलता है टोटल 10 लीटर का, 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। सेंटर वाला पार्ट आपका ये रहेगा, काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश क्वालिटी, पेंट क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी यामा की सभी बाइक्स में अपने को रहती है E20, और वार्निंग स्टिकर, MT का लोगो, इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे ही है, जो कि थोड़ा सा अलग कुछ अलग लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे इस टाइप से की है, ये भी अपना R15 में भी, R15 सीरीज़ में, FZ सीरीज़ में सेम ही की अपना ये रहता है। सो इग्निशन को करते हैं एक बार ऑन, और देखते हैं किस टाइप से ये अपना लाइटिंग सेटअप LED DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा, तो कुछ इस टाइप से एक एंग्री लुक बन जाता है। फ्रंट हेड पे भी यहाँ पे बॉडी कलर वाला पार्ट रहेगा आपके सभी कलर ऑप्शंस में। R15 देखते हैं, तो R15 का भी सेम ही की है। पहले बात करते हैं फ्यूल टैंक की और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो कुछ इस टाइप से ये अपना लेआउट है। E20 वार्निंग स्टिकर, R15S फ्यूल टैंक कैप जो है ये आपका सेम ही है, यामा का लोगो भी आपका सेम जेल वाला ही रहेगा। यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहता है टोटल 11 लीटर का, 11 लीटर और 10 लीटर, सो 1 लीटर का डिफरेंस है। सीट हाइट में अपनी बात हो ही चुकी है, 811 और 815mm, 815mm का टोटल सीट हाइट यहाँ अपना R15 V3S में रहेगा। अब कर लेते हैं इग्निशन ऑन यहाँ भी, और ये अपना लाइटिंग सेटअप जो कॉर्नर वाला सेटअप है ये ऑन रहेगा। हेडलैम्प सेटअप यहाँ पे आप लोगों को मिलता है LED में, जो कि अब अपन स्टार्ट करके देखते हैं, और इंडिकेटर यहाँ पे हेलोजन में ही आ जाता है। यहाँ भी हेडलैम्प सेटअप और LED DRL वाला पार्ट आपको LED में ही रहेगा, यानी कि वाइट वाला रहेगा, और इंडिकेटर सेम दोनों ही बाइक्स में अपना ये रहेगा। अब अदर वेरिएंट भी, अगर आपको बजट की दिक्कत नहीं है तो अदर वेरिएंट भी आप दोनों ही बाइक्स के प्रीफर कर सकते हो, MT का भी, R15 का भी। R15 V4 आ जाता है, ये रहता है अपना बेस V3S, फिर आ जाता है V4 जिसमें से अभी ब्लू भी है, मेजेंटा, मैट ब्लैक भी है, और टॉप एंड आ जाता है आपका R15M, जो कि टॉप ऑफ द लाइन हो जाता है क्विक शिफ्टर और LED इंडिकेटर्स के साथ। अब यहाँ पे अपने पास है V3S का सेकेंड, यानी कि रेसिंग ब्लू वाला कलर ऑप्शन, फ्रंट मड गार्ड यहाँ पे मैट ब्लैक ही रहेगा, और इस टाइप से कुछ ये लेआउट रहेगा। स्टिकरिंग थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू मैट ब्लैक। ये रहा आपका फ्रंट लुक, और ये रहा अपने पास MT का सियान ब्लू वाला कलर ऑप्शन, जो कि 4000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है
ब्लैक वाले वेरिएंट से यानी कि ब्लैक विथ ब्लैक अलॉय वाले वेरिएंट से यहाँ पे आ जाता है LED इंडिकेटर, PT कनेक्टिविटी और बाकी एक अपना जो पेंट स्कीम है ये अपना चेंज रहता है। ये लगभग 4 से 5 कलर ऑप्शन आपको अदर वेरिएंट में MT में देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आपको बजट का ऑप्शन, बजट की दिक्कत नहीं है ना, V3S और MT से बजट आप लोग बढ़ा सकते हो, तो V4 या फिर MT के अदर कलर ऑप्शन भी आप लोग प्रीफर कर सकते हो। आप कर लेते हैं दोनों ही बाइक्स को स्टार्ट, फिर करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस और वीडियो को एंड MID के साथ। सो पहले करते हैं V3S को स्टार्ट। यह भी हाई बीम पे है और हाई बीम के साथ ये आपका पार्ट ऑन रहेगा हेडलैम्प का। अब इसको चेंज कर देते हैं। सो ये आपका सेटअप रहेगा हाई बीम लो बीम का। थोड़ा सा रेव करते हैं। अब करते हैं MT को, MT की बारी आ जाती है। सो MT का भी स्टार्टअप सेम है, एग्जॉस्ट नोड भी सेम है और ये अपना प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी यहाँ पे मिलता है। वहाँ था रिफ्लेक्टर बेस जो कि अभी भी ऑन नहीं, आप लोग देख सकते हो। तो ये रहा अपना सिंगल फ्रेम में दोनों ही सेटअप, यहाँ रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे प्रोजेक्टर है LED, जिसके साथ थोड़ा बहुत एक लाइटिंग का डिफरेंस आपको फील होने वाला है। और MID भी दोनों ही बाइक्स में सेम है क्योंकि BT कनेक्टिविटी यहाँ भी नहीं है, BT कनेक्टिविटी अपना यहाँ भी नहीं है, तो एक ही बाइक में अपन लोग ये वाला सेटअप कवर कर लेते हैं। तो गियर इंडिकेटर मिल जाता है, क्लॉक है, RPM मीटर, टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर, एक अपना फ्यूल गेज आ जाता है, यामा की प्रॉपर मार्किंग, दोनों ही चार सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। अब चेंजेस करके देखते हैं। सो यह जाता है पर 100 किलोमीटर बाइक ने कितना फ्यूल कंज्यूम किया, उसके अकॉर्डिंग एवरेज, रियल टाइम एवरेज, TCS, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों ही बाइक्स में जो कि अभी ऑन है, ऑडोमीटर, AAA, BBB और FFF। सो ये सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और क्लॉक भी आ जाता है। तो ये अपना MID भी हो जाता है कवर। यही MID सेटअप आपको V3S में भी मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। उससे पहले ग्राउंड क्लियरेंस R15 V3S में भी आपका रहता है 170mm का, 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ भी है और वही सेम 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको MT में भी है। फुली फेयर्ड लुक, यहाँ पे एक इंजन काउल आ जाता है जो कि ये एरिया को और साइड प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है इन काउल्स की वजह से भी और इस इंजन काउल की वजह से भी। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। दोनों ही बाइक्स में ये चीज़ भी अपना सेम है। अभी वहाँ भी एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सो 155cc का लिक्विड कूल्ड 4-वोल्व SOSC 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ। 18.4 HP का पीक पावर है और 14.2 Nm का टोटल टॉर्क है। MT का टोटल वेट है 139 kg और R15 का टोटल वेट है 141 kg। ये हो जाती है जी अपनी सारी डिटेल्स कंप्लीट। प्राइसिंग आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में मिल चुकी है। अब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर से बताना, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना है, आपके फ्रेंड्स के साथ आप लोग ये वीडियो शेयर भी ज़रूर से कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना, इसी टाइप के रेगुलर वीडियोज़ आप लोगों के लिए डेली रात को 9 बजे अपने चैनल पर आते ही है। मिलते हैं कल रात 9 बजे, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।